पानीपत में सलारगंज गेट के समीप स्थित सिंगला मार्केट में शातिर ठगों ने एक ज्वेलर्स को 48,000 की चपत लगा दी। फिल्मी अंदाज में एक महिला और पुरुष ने अपने आप को पति पत्नी बताया, दो सोने की अंगूठी मांगी। गोमजी ज्वेलर्स के संचालक पंकज पोला ने बताया कि उन्होंने किसी अन्य दुकानदार से एक लेडीज और एक जेंट्स अंगूठी लाकर उन्हें दी, जिसका 48,000 बिल बना। दोनों ठगों ने ज्वेलर्स को ऑनलाइन पेमेंट करने की बात कहकर एक स्क्रीनशॉट दिखाया, जिसमें 48,000 की पेमेंट होना दिखाया गया था, लेकिन हकीकत में वह मैसेज भी नकली था और दर्शाई गई रेफरेंस आईडी भी फर्जी थी। घटना भाजी शनिवार को एक जेंट्स आया, ये जो आदमी दिखाया मैंने आपको सीसीटीवी में, ये मेरे पास आया, यहाँ से बाजार से निकल रहा था। मेरे को कहने लगा कि जी आपके पास सामान वगैरह मिल जाएगा, गोल्ड का मेगा मिल जाएगा जी। तो कहने लगा अगर पेमेंट ऑनलाइन करनी हो तो बैंक से, मैं कर देना कोई दिक्कत नहीं है, बैंक से मिल जाए तो ठीक है। तो वो विजिटिंग कार्ड लेके चला गया हमारे से, कहने लगा कल खुलेगी दुकान। मैं कहा जी खुलेगी। तो फिर उसका कल संडे था, परसों मेरे पास आया था, विजिटिंग कार्ड ले गया था, लड़के ने विजिटिंग कार्ड दे दिया था दुकान वाले ने। कल मेरे पास फ़ोन आया सुबेरे 10:30 बजे कि भैया दुकान खोली आपने। मैंने कहा जी खुलेगी, लड़के ने खोल दी होगी, मैं आ रहा हूँ। फिर 11 बजे फिर आता है कि दुकान खुल गई है। मैं कहा जी खुल गई है, कहते चलो हम आ रहे हैं। फिर 2-3 बार फ़ोन आया तो 2 बजे के आसपास जब वो नहीं आया तो मैंने फ़ोन किया, भैया आप आ रहे हो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं लड़के को कहूँ दुकान बंद कर देता हूँ। तो लगभग 4 बजे वो आया है, एक लेडीज साथ में थी, अपने आप को मियाँ बीबी बता रहे थे। मेरे से 2 रिंग लिए हैं 48,000 रुपये की, एक जेंट्स और एक लेडीज, और 4 ग्राम की लेडीज रिंग थी और 5 ग्राम से ऊपर की जेंट्स रिंग थी। तो दोनों का बिल बुल बनवा लिया। तो कहने लगा जी पेमेंट ऑनलाइन ट्रांसफ़र करूँगा। मैंने कहा कैसे? कहने लगा जी ICICI बैंक की ऐप से। तो ICICI की उसने बैंक की ऐप खोली है तो मेरे सामने बैठा होता, उसने अकाउंट नंबर भरा है। तो कहने लगा नेटवर्क नहीं आ रहे, तो दुकान से थोड़ी सी बाहर निकल गया और वहाँ जाकर कहने लगा होगी 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 होगी। तो उसने मेरे को स्क्रीनशॉट दिखाया, तो उसमें सक्सेसफुल आया हुआ था वो। मैं जो आपको स्क्रीनशॉट ये दिखा देता हूँ जी, स्क्रीनशॉट जो है वो ये दिखाया जा रही, इसके अंदर कुछ है नहीं है जी, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा सर पेमेंट तो आई नहीं है। तो कहने लगा कि पेमेंट आ जाएगी आपके पास। तो मैंने बैंक में फ़ोन किया, वो कह रहे नेटवर्क इशू है, हो सकता है नेफ्ट हुई हुई है कि रात 2-3 घंटे लग जाते हैं आने में। तो वो फिर कहने लगा भैया हमने पेमेंट तो कर दिया है, हमारे तरफ से चली गई, हमारे से डेबिट हो गया है, तो अब हम जा रहे हैं। तो मेरे पास कस्टमर और आ गए। मैंने कहा कोई बात नहीं जी पेमेंट आ जाएगी, आप चले जाओ। तो आज सवेरे जब मैं रात को देखा पेमेंट नहीं आई बैंक में, तो मैं सवेरे बैंक में गया तो मैंने वहाँ पर इनका ये जो रेफरेंस नंबर आया था मैंने वो चेक करवाया, तो वो कहने लगे कि ये नकली है, कि ये मतलब कोई रेफरेंस नंबर नहीं है, तो ये आपके साथ फ्रॉड हुआ है। तो फिर मैं बैंक अपने में गया कि क्या पता नेफ्ट आ गई हो, तो वो बैंक वाले कहने लगे कि ये कुछ भी नहीं हुआ, अगर कुछ हुआ होता नेफ्ट, अगर पेंडिंग में भी होती तो दिखा देता है। तो ICICI के बैंक से उसने किया था, ICICI वाले कहने लगे कुछ भी नहीं है। तो जो नंबर वो कॉल कर रहा था मेरे को, उस नंबर पर मैंने 2-3 बार कॉल किया तो वो कॉल बंद आ रहा है फ़ोन। तो अब मैंने परेशान हो गया हूँ कि देखा कि मेरे साथ 420 हो चुकी है, कि मेरे से ठगी हुई है। तो फिर मैं बस स्टैंड चौंकी में गया था जी, वहाँ 100 नंबर पे पहले कॉल की, फिर पुलिस वाले आए तो उनको CCTV की दिखाई है, तो फिर वो साथ लेके, तो मैंने एप्लीकेशन दे दिया है। तो नंबर अब चालू हुआ है पर वो फ़ोन उठा नहीं रहा, ठीक है जी, बाकी पुलिस करेगी, देखो क्या होता है जी। उसके बारे में बताएं भाई साहब, मैं सुरेंद्र कपूर, महामंत्री हरियाणा सुवर्णकार संघ पानीपत, मेरी के ज्वेलर्स के नाम से शॉप है बाजार में। मेरे पास गोमजी ज्वेलर्स से पंकज भोला का फ़ोन आया कि भैया मेरे पास कस्टमर आए हुए हैं और उनको कुछ सामान चाहिए, तो वो आप निकाल के दे दो। संडे होने की वजह से मैंने तो पहले दिन को मना किया कि आज रहने दो, कल दे देना माल उसको गा को। फिर उन्होंने जिद की तो मैं आ गया शॉप पर, मेरे से लेकर उन्होंने सामान उनको दे दिया, 48,000 रुपये का लगभग सामान है, जिसकी वो NEFT करवा के ना इनको सक्सेसफुल स्क्रीनशॉट दिखाकर माल लेकर चले गए। 24 घंटे में NEFT की पेमेंट हो जाती है। अब 36 घंटे हो गए, अभी तक भी उसकी पेमेंट हमारे अकाउंट में नहीं आई है, जिसकी हमने फिर पुलिस कंप्लेन की है, और CCTV फुटेज और जो उनके बिल की फोटोकॉपी वो हमने पुलिस के सपोर्ट कर दी है, अब आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। देखिए हस्बैंड वाइफ आते हैं अंगूठी खरीदने के लिए और वो अंगूठी पसंद करके अंगूठी ले लेते हैं, जो पेमेंट भी कर देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, और जब वो खाता चेक करते हैं उनके जाने के बाद तो खाते में उनके पैसे नहीं होते। तो इस विषय में कंप्लेंट आई है, FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और फुटेज भी है उनकी,
और पहचानने का भी प्रयास कर रहे हैं, कोई नंबर भी शायद इसमें ट्रेस आउट हुआ है फोन नंबर, तो उसके माध्यम से पकड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।